पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा मसूरी मंडल ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता रहा है। अपने जीवन काल में 3 बार मसूरी भ्रमण पर आए। यहाँ का मौसम, यहाँ से दिखने वाली हिमालय श्रृंखलाएं देखकर वे काफी अभिभूत हुए और उन्होंने इसका वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। इस बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा बताते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मसूरी में माल रोड पर पैदल भ्रमण करते थे। यहाँ के सीधे साधे लोगों से वे काफी प्रभावित हुए और अपने जीवन काल में 3 बार मसूरी भ्रमण पर आए। 3 बार उन्होंने मसूरी की यात्रा करी और तीनों बार एकांत भवन जो हरियाणा गैस हाउस था उस समय कैंपटी रोड पर, वहाँ उनका निवास रहा था और वो हमारे साथ, उनका इतना गहरा संबंध था कि वहाँ से पैदल चलते हुए आते थे, गांधी चौक पर रुकते थे, अपने बाल भी कटिंग सामान्य रूप से करवाते थे और उसके बाद दुकान पर आकर के बैठते, शर्मा जी चाय पियेंगे और उसके बाद चाय पी करके भोजन करके के लिए घर आते थे और उसके बाद ही अपना कार्यक्रम अगले दिन का तय करते थे। इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, उनके व्यक्तित्व से विपक्ष भी प्रभावित था। आज परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल उनको याद करता है, उनको श्रद्धांजलि देता है। उत्तराखंड माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उत्तराखंड का आवंटन किया था और साथ में आज जो केंद्र की मोदी सरकार है उनके सपनों को पूर्ण करने में लगी है। जो उनका एक सपना था कि जनता की पाई पाई से हो गरीबों की भलाई, उन्हीं योजनाओं पे काम हो रहा है। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि आज उनके द्वारा शहरी विकास मंत्री को एक पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें मांग की गई है कि कंपनी गार्डन का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए, साथ ही उनकी एक आदमकद की प्रतिमा भी लगाई जाए। खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे सब दल, सारे दल आपका सम्मान करते थे और मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारे वरिष्ठ बताते हैं कि अटल जी का मसूरी से विशेष लगाव था, बार बार उनका आना चाहता था, हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ उनका लगातार संपर्क था और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।